भोपाल से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस के अभियान की फिर समय सीमा जो है वो बढ़ गई है। जी हां, घर चलो घर घर चलो अभियान को लेकर कांग्रेस सतर्क नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस में रार अरुण यादव का ट्वीट देखने को मिला है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक ट्वीट किया है। कांग्रेस में चल रही कलह पर उन्होंने ट्वीट किया है, किसको फिक्र है कबीले का क्या होगा। जी हाँ, ये उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया है। सब इसी बात पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन होगा। तो सब इसी बात पर लड़ रहे हैं कि सरदार आखिरकार कौन होगा। सब इसी बात पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन होगा, यह अरुण यादव का ट्वीट है। शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, जो ट्वीट सामने आया है अरुण यादव की तरफ से, क्या दर्शाता है, किन बातों को इंगित करता है ये ट्वीट? देखिए अंजलि, कांग्रेस के अंदर चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए या फिर दिल्ली की बात की जाए, दोनों तरफ या फिर दो देश के दूसरे राज्यों की बात की जाए, सब जगह नोरा कुश्ती की स्थिति देखने को मिल रही है। और उन सबके बीच अरुण यादव का ट्वीट ये बताता है, शायराना अंदाज में जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि किसी को फिक्र नहीं है कबीले की, सभी को सरदार कौन होगा इसकी चिंता है और इसी के लिए लड़ रहे हैं। यानी उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि पार्टी का क्या होगा किसी को फिक्र नहीं है, बस अध्यक्ष को लेकर, पदों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर लड़ाई होती है, संगठन कैसे मजबूत किया जाएगा इस पर किसी तरह से विचार नहीं किया जाता है। और इसी को लेकर शायराना अंदाज